तो चलिए अब आपको उस ईरानी अस्त्र के बारे में बता देते हैं जिससे अमेरिका यहां तिलमिला चुका है। आपको बता दें, ईरान की फतेह 360 मिसाइल 787 किलो वजनी है। इसकी खासियत आप ये जान लीजिए कि ये क्यों इतनी खतरनाक है। 5000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ये हमला करती है और हमला करने में सक्षम है। 120 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिराने की इसकी क्षमता बताई जा रही है, इसकी खासियत है, ये आपको बता दें। और 105 किलो के वॉरहेड से क्लोज टारगेट उड़ाने में भी ये सटीक निशाना साध सकती है। इमारत, बंकर, हथियार, तेल डिपो पर सटीक निशाना लगाकर इसके जरिए ब्लास्ट किया जा सकता है। 100 फीट दूर भी गिरे तो टारगेट पूरी तरीके से खंड खंड होगा, यानी कि ध्वस्त हो जाएगा। ये इसकी खासियत आपको लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरीके से अमेरिका इसराइल की ढाल बनता हुआ यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। वो भी आप अभी जान लीजिए कि किस तरीके से अमेरिका इसराइल के लिए कवच तैयार कर रहा है। वो भी हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसराइल को चारों ओर से मजबूत करने के लिए, बचाने के लिए अमेरिका किस तरीके से यहाँ भूमध्य सागर, आप देख रहे हैं भूमध्य सागर में पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया तैनात कर दी गई है अमेरिका की ओर से, ताकि इसराइल को वो कवच यहाँ मुहैया करवाया जा सके। इसी के साथ में डिस्ट्रॉयर शिप फ्रिगेट भी तैनात किया गया है अमेरिका की ओर से। भूमध्य सागर में ही यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो भी यहां पर तैनात किया गया है। गाइडेड मिसाइल सबमरीन तैनात कर दी गई है। तो ये तैनाती है जो इसराइल को कवच मुहैया यहां पर करवाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात अब लाल सागर की करेंगे कि किस तरीके से लाल सागर में यहां पर जो कवच है वो तैनात किए गए। वो भी आपने देखा कि इसराइल पूरी तरीके से यहां महफूज रहे, ये कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की, क्योंकि ये महायुद्ध पिछले 2 साल से थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन 2 साल के बाद यूक्रेनी सेना पहली बार रूस की सीमा में दाखिल होती है और कैसे 30 किलोमीटर अंदर वो जा चुकी है, लेकिन रूस भी पलटवार लगातार कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या रूस और यूक्रेन की जंग 2 साल बाद निर्णायक मोड पर आ चुकी है, क्या जल्द ही सबसे भीषण जंग का रिजल्ट सबके सामने आने वाला है, पुतिन और जेलेंस्की में से कौन बाजीगर बनेगा, क्या इस राज से भी पर्दा उठने वाला है, धमाकों से गूंजने वाला रूस और यूक्रेन का जंगी मैदान क्या अब यूक्रेन फतह कर रहा है, क्योंकि रूस की सेना को टक्कर देते हुए यूक्रेन की सेना अब रूस में करीब 30 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो चुकी है। पुतिन के घर में करीब 350 वर्ग किलोमीटर का एरिया भी वो अपने कब्जे में कर चुकी है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस में अपना झंडा भी फहरा दिया है। हालांकि जेलेंस्की ने माना है कि इस ऑपरेशन में करीब 24 घंटों के अंदर ही उनके 250 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूसी सीमा में दाखिल होकर कुर्स्क क्षेत्र के बड़े हिस्से पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। 2022 में जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रहा है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं। 24 घंटों में रूस के अंदर यूक्रेन ने 2 प्रमुख किलेबंदियां ध्वस्त कर दी हैं। यूक्रेनी हमले की वजह से कुर्स्क प्रांत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये प्लांट सोज़्ज़ा शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि इस घुसपैठ का करारा जवाब मिलेगा। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब और भी भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें कि किस तरीके से आखिरकार रूस ने एक ऐसे बम का इस्तेमाल किया है जिसका बड़ा आरोप यहां यूक्रेन की ओर से लगाया जा रहा है। वो बम आखिरकार है कौन सा, आपको बता दें, रूस पर वैक्यूम बम इस्तेमाल करने का आरोप लगा। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है, इसका एक नाम यह भी है, और ये इंसान को भाप बनाकर उड़ा देता है। आप सोचिए कितना घातक है ये बम, जहां भी गिरता है वहां घातक रसायन छोड़ता है। ये स्प्रे बंकर इमारतों में भी दाखिल हो जाता है और टारगेट पर बादल जैसे आवरण भी बना लेता है। इससे पूरे इलाके में लोगों का दम घुटने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़ों में संक्रमण करके ये उनकी जान ले लेता है। एक साथ कई लोगों की जान लेने में सक्षम है और दूसरे विश्व
युद्ध में नाजियों ने यह बम बनाया था। आपको बता दें पहली बार इसका इस्तेमाल यूएस ने वियतनाम में किया था, यह जानकारी आपको दे दें। तो इस बम का इस्तेमाल करने का आरोप यहां यूक्रेन की ओर से सीधे तौर पर लगाया गया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे उत्तर कोरिया की। आपको बता दें कि किस तरीके से आपने देखा है किम जोंग एक ऐसा तानाशाह है जिसकी क्रूरता पूरी दुनिया में मशहूर है। उसकी जो तानाशाही की हरकतें हैं, उसका जो पैमाना है, वो सबने देखा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तानाशाह अपनी विरासत किसी को सौंपने वाला है? आखिरकार ये सवाल क्यों उठ रहा है, वो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कहीं लिखा है क्या कि बाप इंजीनियर है तो बेटा या बेटी भी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनेंगे? लेकिन एक सन की तानाशाह खुद की किताब में ये सब कुछ लिख कर बैठा है कि बाप तानाशाह है तो बेटी भी तानाशाह बनेगी। दुनिया का हर पिता अपनी बेटी के लिए शानदार शिक्षा, अच्छा कैरियर और बेहतर जीवन चाहता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कुछ ऐसा ठान कर बैठा है कि उसकी बेटी उसी के नक्शे कदम पर चलेगी, और इसके संकेत एक बार फिर सामने आ चुके हैं। तो क्या उत्तर कोरिया की कमान अब एक लेडी तानाशाह के हाथों में होगी? मासूम सी दिखने वाली ये किम जोंग उन की छोटी बेटी चू ए है, जिसकी उम्र महज 10 साल के करीब है। नवंबर 2022 में वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर उस वक्त नजर आई थी जब उसने अपने पिता के साथ बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण देखा था। इसके बाद से जू ए लगातार अपने पिता के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करती आ रही हैं। ऐसे में किम को दुश्मन मानने वाली दक्षिण कोरिया की एक एजेंसी ने दावा किया है कि तानाशाह अपनी गद्दी पर छोटी बेटी को ही बैठाने वाला है। जू ए अपने पिता के काफी करीब है और इसकी झलक सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखी जाती है। वो कभी सैन्य परेड के दौरान वीआईपी स्टैंड में बैठकर ताली बजाती हैं, तो कभी अपने पिता के साथ वायुसेना मुख्यालय की यात्रा पर होती हैं। हाल ही में वो राजधानी प्योंगयांग में पिता के साथ एक कार्यक्रम में दिखी थी, जिसके बाद से अटकलें तेज हैं कि किम की खूंखार बहन नहीं बल्कि किम की बेटी ही उसकी विरासत संभाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात हम यहाँ पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान किस तरीके से कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है, ये इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि आटे दाल को पाकिस्तान कैसे तरस रहा है। देखिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। हमारा ये हाथ बने हुए जोड़े देख ले, हमारे बच्चों में दर्द खाए। अगर हमारे पास कुछ होता, रोड पे घूमते, फुटपाथ पे सोते, लंगर खानों में खाना खाते। पाकिस्तान को महंगाई डाइन खाए जाते, महंगाई की डाइन ने पाकिस्तानियों को ऐसा खाया, महंगाई का पेट तो बढ़ते आंकड़ों से भर गया मगर आवाम भूख से तड़प गई। पड़ोसी मुल्क में हालात ऐसे हैं कि सुबह रोटी खा ली तो खा ली, रात का कोई भरोसा नहीं मिलेगी कि नहीं। आवाम का पेट खाली है, शहबाज की जेब खाली है और पाकिस्तान का खजाना खाली है। ऊपर से आ गया एक सर्वे जिसने कंगाली की कीर्तिमान बनाते पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी। प्लस कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के शहरों में 74% लोगों के पास जरूरी चीजों के लिए पैसे नहीं है। घर चलाने के लिए दो दो नौकरी करने को मजबूर हो चुके हैं। कई लोगों को उधार लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है। मई 2023 में करीब 60% लोग महंगाई से त्रस्त थे। 2024 में आंकड़ा 14% से बढ़कर 74 पहुंच गया। 2025 आते आते कहीं भुखमरी की सेंचुरी ना आ जाए। सोचिए, आतंकियों की फैक्ट्री बांग्लादेश अपने लोगों को दो वक्त के खाने का इंतजाम ठीक से नहीं कर पा रहा तो जनता का गुस्सा लाजमी है। गुजारा तो नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से हो रहा है। गुजारा हो रहा है बस, जब मिल गया खा लिया, ना मिले तो ना से। एक तो रोजगार नहीं है, इधर बंदा खड़ा रहे सारा दिन, खड़ा रहे, कभी दिहाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो 1000 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये में क्या होता है? 3 दिन बंदा वैसे खड़ा हो जाए तो 1000 रुपये तो वो अकेले ही खा जाता है। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद को बताया कि करीब 16 साल में कर्ज 61.4 लाख करोड़ तक बढ़ गया। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से लेकर हर संस्था से कर्ज मांगता है मगर उसके खुद के स्टेट बैंक ने कह दिया है कंट्रोल कर लो, महंगाई का ग्राफ अभी रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।